ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित सुख स्वरूपाय स्वामी नेतापहारिणे भगवान श्री कृष्ण देव श्री शारदा देवी एवं स्वामी विवेकानंद की कृपा से हमारा यह सत्संग भली भांति पुनः प्रारंभ हो गया है कल से वैसे तो कभी बंद ही नहीं हुआ था जैसे हमने कहा परंतु अब श्रीमद् भागवत के जो प्रवचन जिसकी पुनरावृत्ति करी जा रही की जा रही थी उसके बदले अब जहां से छोड़ा था तब से मुणेश आनंद जी ने भागवत प्रवचन फिर से शुरू किया और ये प्रश्नोत्तर भी हमने प्रारंभ कर दिया है तो कुछ प्रश्न पहले से जो आए हुए थे उसमें से कुछ रह गए थे काफ़ी प्रश्नों के उत्तर हमने दे दिए थे पर कुछ प्रश्नों के उत्तर रह गए थे उन प्रश्नों को अभी कुछ ले लेते हैं और यदि आप लोगों को अभी भी कुछ प्रश्न पूछना हो तो आप या तो ईमेल के द्वारा पूछ सकते हैं आर के एम राज आर के एम राजकोट एट द रेट जी मेल डॉट कॉम पर या फिर वहाँ पर व्हाट्सएप पर अपने प्रश्नों को लिख सकते हैं या फिर कमेंट में आप प्रश्न लिख सकते हैं तो इन प्रश्नों के उत्तर हम देने का प्रयास करेंगे तो इसके पहले जो कुछ प्रश्न का प्रश्नों का उत्तर हम नहीं दे पाए थे उसमें से कुछ प्रश्न अभी ले लेंगे और बाद में अभी आपके जो नए प्रश्न हैं, उनका उत्तर भी हम देने का प्रयास करेंगे तो एक प्रश्न आया था प्रणाम महाराज एक्सलेंट ऑनलाइन सत्संग

इसी को भक्ति कहते हैं यह प्रेम या भक्ति इसे प्राप्त करना बहुत ही कठिन है परंतु निष्काम भक्ति जिसे कहा गया है निस्वार्थ भक्ति निष्काम भक्ति वह तो और भी कठिन है श्रीमद भागवत में पंचम पुरुषार्थ की बात कही गई धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चार पुरुषार्थों की बात ही सनातन धर्म में सब जगह की गई पर श्रीमद भागवत में एक पंचम पुरुषार्थ की बात रखी गई वह निर्गुणा भक्ति वह सामान्य भक्ति नहीं निर्गुणा भक्ति जहां पर भक्त ईश्वर के पास कुछ भी नहीं चाहता यह अद्भुत वह, वह जो भक्ति निर्गुणा भक्ति यह किसी को प्राप्त नहीं हो सकती यह अपने आप प्राप्त नहीं हो सकती ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है तो यह जो कहा गया कि हम कैसे श्री रामकृष्ण देव को ईश्वर को निस्वार्थ भाव से प्रेम करें मां शारदा देवी को गिरिश चंद्र घोष ने पूछा था कि किस प्रकार से यह निष्काम भक्ति आए तो बोले वो तो बहुत कठिन है बहुत कम लोगों को यह भक्ति प्राप्त होती है अधिकांश जो लोग हैं संसार में जितने भी भक्त हैं अधिकांश लोग किसी न किसी स्वार्थ से किसी न किसी कारण से ये भक्ति करते हैं ईश्वर की तो श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा सातवे अध्याय में चतुर्विधा भजन माम जना सुकृतनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी कहते हैं चतुर्विधा भजन माम चार प्रकार से भक्त लोग मेरी उपासना करते हैं लोग मेरी पूजा करते हैं या मेरी उपासना करते हैं मेरे मेरा भजन करते हैं चार प्रकार के लोग कौन कौन से आर्त आर्त का मतलब होता है कोई बहुत बड़ा संकट आया है और उसमें से बचाने के लिए जो आर्तनाद होता है प्रभु बचाओ प्रभु बचाओ प्रभु बचाओ, प्रभु बचाओ। बस अब डूबा अब डूबा अब डूबा इस संकट से हमारा हम बचाओ कोरोना वायरस पैंडमिक इतना बड़ा संकट आ गया और अभी तो हम सोच ही रहे थे कि हमें पॉजिटिव ना हो जाए तो हमारा पूरा परिवार भी तो पॉजिटिव हो गया प्रभु बचाओ बचाओ यह है आर्थ जिज्ञासु ईश्वर के संबंध में जानने की इच्छा रखने वाले उसके बारे में ज्ञान की पी पिपा वाले और आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी अधिकांश लोग अर्थार्थी हैं। अर्थ का मतलब होता है पैसा तो ज्यादा करके लोग पैसे की प्राप्ति के लिए ही ईश्वर के पास जाते हैं पर यहां पर अर्थ का मतलब यह नहीं केवल केवल पैसा नहीं कुछ भी प्राप्त करने की इच्छा धन संपत्ति प्राप्त करने की इच्छा या कुछ ना कुछ अपनी इच्छा के फलीभूत होने की इच्छा हम हम किसी व्यक्ति को चाहते उस व्यक्ति को प्राप्त करने की इच्छा कोई भी प्रकार की इच्छा को हम अर्थार्थी कह सकते हैं उस इच्छा की पूर्ति के लिए ईश्वर का हम उपयोग करते हैं हम ईश्वर को चाहते नहीं ईश्वर से चाहते हैं यह सत प्रतिशत सत्य है हम चितना चाहे कितना भी बोले सचमुच में अधिकांश लोग ईश्वर से चाहते हैं ईश्वर को नहीं चाहते हैं। एक सेठ जी थे आरती करते थे गान करते थे प्रभु जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे और वो आरती तो करते थे पर उसमें तो आरती में तो बहुत सारी कड़िया हैं पर एक कड़ी पर बार 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 उसको रिपीट करते थे बड़े प्रेम से वो क्या है सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का बस बाकी जो है वो सब छोड़ देके सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटेतन का सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटेतन का उसी को ज्यादा ज्यादा करके वो रिपीट करते थे तो यह सभी मुख्य सभी लोगों का स्वभाव है कि या तो कुछ प्राप्त करने की इच्छा होती है वो हम लगता है हमको लगता है कि अब वह लौकिक मार्ग से संभव नहीं है डॉक्टर ने बता दिया कि आपका बच्चा बचेगा नहीं अभी हमारे पहुंच के बाहर है कोई चमत्कार ही बचा सकता है ईश्वर ही उसको बचा सकते हैं और तब जाकर के ईश्वर के द्वार पर हम जाते हैं प्रभु बचाओ बचाओ बचाओ, बचाओ। आर्तनाद करते हैं ये आर्तो आर्त आर्थ, आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी या फिर किसी न किसी प्रति अपेक्षा से हम लोग जाते हैं ईश्वर के पास कुछ प्राप्त करने के लिए ये ही और चौथे हैं ज्ञानी ज्ञानी जो है वो अत्यंत अल्प है कि वो उसको मालूम है कि वासुदेव सरोमिति प्रत्येक जगह जगह पर वो ईश्वर विराजमान है उस प्रकार से सभी प्राणियों को प्यार प्रेम प्रेम वो करते हैं यह तो एक बहुत उच्च कोटि का उच्च कोटि का भक्त है पर अधिकांश लोग ये या तो अर्थार्थी है या आर्थ हैं दुख में सुमिरन सब करे सुख में करे न कोई जो दुख में सुमिरन जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है को है ये बात सच है कि यदि सुख में कोई सुमिरन करेगा तो उसको दुख नहीं होगा पर होता नहीं है वो वो मैकेनिकल हो जाता है वो भक्ति होती मैकेनिकल होती प्रार्थना करते भी कुछ लोग नियमित रूप से परंतु वो मैकेनिकल होती है उसमें इंटेंसिटी कब आती है जब कोई विपत्ति आती है इसीलिए तो कुंती माता को भगवान श्री कृष्ण ने पूछा आप कुछ वरदान ले लीजिए अतः कुंती माता ने कहा कि यदि वरदान देना ही चाहते हो तो यही वरदान दो कि हमें और भी विपत्ति आए हमारे जीवन में हाँ ऐसा वरदान तो किसी ने मांगा नहीं इतनी विपत्तियां कम है पांडवों पर एक के बाद है कितनी विपत्तियां आती है विपत्तियों का मानो अंबर लग जाता है और तुमको विपत्ति चाहिए इससे तुमको संतुष्ट नहीं हो नहीं मुझे और विपत्ति चाहिए क्यों क्योंकि तो जब जब प्रभु विपत्ति आती है तब तब हम तुम्हारा स्मरण करते हैं जब-जब हम तुम्हारा स्मरण करते हैं तब, तब तब तुम दर्शन देते हो हम लोग दर्शन से कृतार्थ होते हैं आज जब विपत्ति नहीं होती है तो हम तुमको भूल जाते हैं तुम्हारा दर्शन नहीं होता है तो इसलिए विपत्ति भेजते रहो ऐसी प्रार्थना किसी ने नहीं की कुंती माता के समान तो हम लोग तो कर ही नहीं पाएंगे ऐसी प्रार्थना सवाल ही नहीं है पर इतनी प्रार्थना तो कर सकते प्रभु जब विपत्ति देते हो उसके साथ सहन करने की शक्ति हमें दो यदि देना ही है विपत्ति तो उसके साथ सहन करने की शक्ति ये हम प्रार्थना कर सकते हैं पर कुंती माता के समान इतने बहादुर हम लोग नहीं है कि ईश्वर से कहें प्रभु और विपत्ति दो ताकि हम आपका आप दर्शन कर सके या आपकी कृपा प्राप्त करते रहें ये हमारे बस में बस में नहीं है तो जो भी हो यह जो यह जो भक्ति निष्काम भक्ति ये प्रहलाद की भक्ति थी प्रहलाद को जब प्रभु ने नरसी रूप धारण किया प्रहलाद पर हिरंकश्यूपे ने उसके पिताजी ने बहुत अत्याचार किए भागवत में सब प्रसंग आते हैं और उसको पहाड़ से गिराया कितने प्रकार से उसको प्रताड़ा होलिका उसकी बहन की गोद में प्रहलाद को डाल करके होली जलाई गई और फिर होलिका जल गई और बच्चा बच गया प्रभु की कृपा से ऐसा सब होने के बाद फिर प्रकट होते हैं प्रभु वरदान मिला था कि न तो पृथ्वी में न आकाश में मेरा वध करेगा ना कोई मनुष्य कर पाएगा न पशु कर पाएगा तब जाकर के आधे मनुष्य आधे पशु नरसिंह रूप धारण करते हैं प्रभु और इस प्रकार से दो कमरे के बीच में जो है उसमें वे रहते हैं और अपनी जांग पर न आकाश न ना पृथ्वी जांग पर उसको रख करके उसको मार डालते हैं और इस प्रकार से हिरण का का वध होता है और उसके बाद में नरसिंह प्रभु प्रहलाद के प्रति प्रेम की दृष्टि से देखते हैं और उसको चाटने लगते हैं इसकी भक्ति से प्रसन्न होकर बोलते वरदान मांग ले और तब प्रभु प्रहलाद क्या वरदान मांगता है प्रभु वरदान देना ही है तो यही वरदान दो जिस प्रकार की आसक्ति विषय लोगों को विषय में है उसी प्रकार की आसक्ति प्रभु मुझे तुम्हारे चरणों में हो जाए कितनी सुंदर प्रार्थना प्रहलाद करते हैं कि जैसी प्रीति अविवेकी लोगों की विषयों के प्रति होती है ऐसी मुझे आपके चरणों में चाहिए यह है निष्काम भक्ति तो यह निष्काम भक्ति बहुत ही कठिन है बहुत ही कठिन है गोपियों की थी सिद्धारद भक्ति सूत्र में कहा कि भक्ति की व्याख्या करते करते हुए कहते हैं परम प्रेम स्वरूपाच फिर बाद में लिखते हैं अमृत स्वरूपाच परम प्रेम स्वरूप है अमृत स्वरूप है यह जो भक्ति है नारदी भक्ति श्री रामकृष्ण भी कहा करते हैं नारदी भक्ति और फिर कहते हैं कि कैसे पता पड़ेगा परम प्रेम स्वरूपाच अमृत स्वरूपाच तो बोलते हैं यथा व्रज गोपी का नाम व्रज की गोपिकाओं के समान यह भक्ति ये है उनकी जैसी प्रीति थी यह है सच्ची भक्ति तो आख्यायिका आती है गोपी तो श्री भगवान श्री कृष्ण के चरणों में सब समय उनका चिंतन कर रही है इधर नारद जी को एक बार सूक्ष्म अहंकार हो गया कि मेरे समान भक्त इस दुनिया में कोई नहीं है सचमुच में कौन है वो? सब दिन रात हरे नाम हरे नामो हरे नाम केवल तीनों तीनों में घूमते रहते हैं प्रदक्षिणा करते रहते हैं और कितने भक्त लोगों को इस प्रकार से विपत्ति में से निकालते रहते हैं अब उनको भी सुख महंकार हो यह भी प्रभु की लीला <clears throat> तो ये अब रहा नहीं गया तो भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर के बोलते हैं <clears throat> अच्छा प्रभु आपका सबसे बड़ा भक्त इस पृथ्वी में कौन है <coughs> प्रभु समझ गए कि रोग हुआ है रोग लग गया को क्या अहंकार का, का रोग और ये सूक्ष्म अहंकार आया है जहां अहंकार आता है तो भक्ति देवी विदा हो जाती है पर ईश्वर है प्रभु ऐसे कृपालु हैं कि वो भक्त पर कृपा करने के लिए लीला करते हैं ताकि वो सूक्ष्म यह जो रोग आया है अहंकार नाम का उसका उन्मूलन हो जाए उसका उपचार करते हैं भगवान तो अब उपचार करना शुरू कर दिया बोले अरे नारद वो सब बाद में बात होगी पहले मेरा ये सिरदर्द है वो तो ठीक कर बोले प्रभु आपको सिरदर्द बोले हाँ अरे भयंकर सिद्ध हो रहा है तो प्रभु कोई भी दवाई आप बोलिए जहां से आप बोलिए मैं दवाई ले आता हूं मैं तो आपका सबसे बड़ा भक्त हूं फिर खुद ही बोल दिया बोले हाँ तो ठीक है तो तुम यदि दवाई ले आ सकते हो तो बहुत अच्छा है तो बोले क्या दवाई उसमें कौन सी दवाई आप बोलिए मैं अभी ले आता हूं बोले इसमें दूसरा कुछ नहीं है कोई भक्त अपने चरण की धूली मुझे दे और मैं उसको अपने सिर पर रखूं तब तो मेरा सिर दर्द ठीक हो जाएगा महारद बोले अरे प्रभु इस पृथ्वी में कौन ऐसा है जो अपने चरण की धूलि आपके सिर पर रखेगा पागल भी होगा तो नहीं करेगा सात नरक में जाएगा एक नरक में नहीं आपके उसकी चरण की धूली आप पर जाएगी कौन देगा फिर भी बोले देखो दूसरा कोई उपाय नहीं है बड़ी पीड़ा हो रही है अब नारद जी निकलते हैं सब जगह जाते हैं वो भूल जाते हैं कि उनके भी चरण है उनकी चरण धूलि दे सकते हैं पर वो विचार आया ही नहीं सब जगह जाकर बोलते हैं प्रभु के इस प्रकार से बड़ा सिर दर्द हुआ है कोई भी चरण की नारद तुम पागल हुए हो क्या हमारे चरण की धूलि सिर पर चढ़ाओगे भगवान के हम लोग नरक में भी नहीं छूटेंगे सात नरक में भी जाओ जाओ आगे बढ़ो फिर पहुंचते हैं ब्रज में अवरज की गोपिकाएं पूछती है अच्छा नारद नारद जी आप आगे अच्छा हमारे प्रभु का क्या खबर है आप तो तीनों लोग में घूमते रहते हैं अरे क्या बताऊं कि प्रभु के तो अभी सिरदर्द बहुत हो रहा है सिरदर्द हो रहा है अरे तो कोई दवाई नहीं है बोले दवाई है पर मिल नहीं रही है क्या दवाई है कोई भक्त यदि अपने चरण की धूलि उनके सिर पर दे, दे उनके सिर पर दी जाए तब बोले उनका सिर दर्द हो इतनी सी बात है ले जितनी चरण धूली लेना हो ले लो और जाओ जल्दी तुमको पता है ए गोपिकाओं ये ईश्वर के चरणों पर लगेगी धूली सात नरकों में से छुटोगी नहीं अरे बातचीत बंद करना हमारे प्रभु वहां पर पीड़ा में है और आप लोग आप इस बातचीत में अपना समय गवा रहे जल्दी जाइए हम सात नरक में जाने को तैयार हैं हमारे प्रभु के सिर दर्द दूर कर दो प्रभु का सिर दर्द दूर कर दो ये है गोपिकाओं की भक्ति हम साथ नरक में जाने को तैयार हैं प्रभु के सिर दर्द को दूर करने के लिए और तब नारद समझ गए कि सच्चा भक्त कौन है यह भी समझ गए कि मैं यदि सच्चा भक्त रहता तो मेरे चरण की धूली देने को तैयार हो जाता और तब यह भी समझ गए प्रभु की लीला है मेरे अहंकार को दूर करने के लिए देख नारद आज भी पृथ्वी में ऐसे भक्त हैं जो मेरे लिए सात नरक में जाने को तैयार हैं ऐसे भक्त हैं पृथ्वी पर तो यह जो निर्गुणा भक्ति ये निर्गुणा भक्ति मिलना बहुत कठिन केवल ईश्वर की कृपा से मिलते है। और ईश्वर की कृपा नहीं होती वो भक्ति देते नहीं <laughs> बंगला में बंगला भाषा में एक बहुत बढ़िया एक एक गीत है आमी भक्ति दीते कातर नय आमी मुक्ति दीते कातर नय शुद्धा भक्ति दीते कातर हो क्या कहते हैं कहते हैं कि मुझे मुक्ति देने में मुक्ति देने में कोई ऐतराज नहीं है मुक्ति में दे देता हूं भक्ति में नहीं देता भक्ति देने में मुझे आपत्ति है यह शुद्धा भक्ति मैं क्यों आपत्ति है मुक्ति ले जाओ भक्ति नहीं लूंगा भक्ति नहीं क्यों अरे एक बार यदि भक्ति दे दी तो मैं तो फिर फंस गया क्यों मैं स्वाधीन नहीं हूं मैं पराधीन हूं भक्तों के पराधीन हो जाता हूं फिर तो मैं भस गया, एक बार जिसको भक्ति मिल गई फिर तो मैं, मुझे, मैं उसका मेरी, मेरी स्वाधीनता छिन जाएगी तो मैं चाहता हूं कि मैं पराधीन ना रहूं ये भक्त लोग मैं, मैं नहीं हूं मैं पराधीन हूं मैं नहीं चाहता कि मैं पराधीन हूं इसलिए बहुत कम भक्त लोगों को मैं मैं भक्ति देना चाहता नहीं मुक्ति ले जाओ भक्ति की बात मत करो भक्ति की बात करो भागवत में श्रीमद भागवत में प्रसंग आता है अम्बरीश राजा अम्बरीश की कहानी राजा अम्बरीश ने वह व्रत कुछ किया था एकादशी का और उसको द्वादशी के दिन उसको बाद में उसका समापन करना था उसके लिए कुछ लेना था उस समय सब ब्राह्मणों को खिलाना था अब ऐसा हुआ कि उसी समय ये दुर्वासा मुनि आ गए अपने हजारों भक्तों के साथ शिष्यों के साथ तो उन्होंने अम्बरीश राजा ने उस उनका स्वागत किया बहुत उनको नम्रता पूर्वक उनका स्वागत किया और फिर उन्होंने कहा कि आप यही प्रसाद ग्रहण कीजिए और इसने स्वीकृति दे दी अब ये तो मुनि जी गए बोले हम स्नान करके आते हैं उसके बाद में फिर हम प्रसाद ग्रहण करेंगे अब दुर्वासा भक्तों अपने शिष्यों के साथ गए स्नान करने वहां देर हुई बहुत आ ही नहीं रहे इधर मुहूर्त चला जा रहा है उसी मुहूर्त में नहीं होगा तो पूरा का पूरा उनका जो व्रत है वह नष्ट हो जाएगा और आम जो जनता है उनको भी उससे काफी नुकसान होगा तब जो इसके विद्वान लोग थे उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला कि देखिए आप भोजन मत कीजिए क्योंकि दुर्गासा मुनि को आपने कहा है वो आएंगे पहले ब्राह्मण को खिलाने के पहले आप खाएंगे वो भी ठीक नहीं है इधर समय भी चला जा रहा है जो उसका जो मुहूर्त है चला जा रहा है तो एक काम कीजिए आप थोड़ा सा जल ग्रहण कर लीजिए तो आपका उपवास भी भंग हो गया उधर आपने जो मुनि को कहा था कि आपके आपके आने के आपके के बाद बाद ही ही भोजन ग्रहण ग्रहण करने प्रसाद प्रसाद मैं करूंगा वो भी हो जाएगा तो ये सब अच्छा सुझाव उन्होंने दिया तो इसी प्रकार से छोटा सा थोड़ा सा जल इन्होंने ग्रहण कर लिया अम्बरीश ने राजा इधर मुनि आकर जो उनको पता लगा इन्होंने तो अपना उपवास तोड़ दिया है जल लेकर के बस मुनि का तो क्रोध अत्यंत क्रोधित हुए और उसका अपने सिर पे से एक बाल निकाला और उसमें मंत्र मंत्रोच्चार किया फेंका अम्बरीश की तरफ तो उसमें से एक राक्षसी प्रकट हुई और वो राक्षसी उसको मारने के लिए दौड़ी अब इधर वे परम भक्त थे विष्णु के तो भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र ये उनकी रक्षा में आ जाता है और यह जो राक्षस उसका वध कर देता है सुदर्शन चक्र काट करके उसको ना ग ग ग। अब यह सुदर्शन चक्र जाता है दुर्वासा मुनि को काटने के लिए अब दुर्वासा मुनि तो बड़े इसमें पड़ गए भाग रहे हैं दौड़ रहे हैं दौड़ रहे हैं सुदर्शन चक्र पीछे दौड़ रहा है उसको काटने के लिए जाते हैं ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मा जी जाइए बचाइए ये सुदर्शन चक्र बोले भाई मैं तो पराधीन हूं आप इसके पास जाइए शंकर जी के पास जाइए मैं तो पराधीन हूँ गए शंकर जी के पास शंकर जी बचाइए बचाइए जो सुदर्शन चक्र आ रहा है सुदर्शन शिव जी ने कहा भाई मैं भी पराधीन हूँ मैं तो स्वाधीन नहीं हूँ तो किसके पास जाना होगा गले विष्णु है हम तो विष्णु के पराधीन है तो गए दौड़ करके विष्णु भगवान के पास प्रभु बचाइए यह आपका सुदर्शन चक्र मेरी पीछा पड़ा हुआ है विष्णु भगवान ने क्या कहा उन्होंने कहा मुनि को अरे मैं क्या करूं? अहम भक्त पराधीन मैं स्वाधीन नहीं हूं आप भी स्वाधीन नहीं है नहीं मैं भी पराधीन हूं आप किसके पराधीन है बोले मैं भक्तों के पराधीन मैं भक्तों के पराधीन हूं भक्तों की इच्छा के विरुद्ध मैं कुछ नहीं कर सकता भक्त धीनोम भागवत में यह श्लोक कहा गया अहम भक्त पराधीनो मैं भक्त का पराधीन हूं एकमात्र उपाय है राजा अम्बरीश के चरणों में पढ़िए राजा अम्बरीश के चरणों में शरण लीजिए वो ही आपको बचा सकते हैं और फिर आकर के दुर्वासा मुनि आते हैं राजा अम्बरीश के पास क्षमा की याचना करते हैं और राजा अम्बरीश तो ये तो बोलते नहीं 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 आप आप हम इस प्रकार से आप मुझे संकोच में मत डालिए और वे सुदर्शन चक्र को प्रार्थना करते हैं और तब सुदर्शन चक्र वापस आ जाते है। यह कहानी के द्वारा बताया जाता है कि जो भगवान ने कहा है वो सच है वो भक्त के पराधीन है वो भी स्वाधीन नहीं है तो जिनके पास निर्गुण भक्ति है जो पंचम पुरुषार्थ है भसीमत भागवत का निर्गुण भक्ति ऐसी निस्वार्थ भक्ति ये जो निस्वार्थ भक्ति ये भक्ति जो है ये बड़ा कठिन है पाना और ईश्वर की कृपा से ही वो मिलती है उनके प्रसाद से मिलती अपनी चेष्टा से नहीं मिलती तो क्या करें प्राप्त करने के लिए क्या करें तो स्वामी विवेकानंद ने भक्ति योग के ग्रंथ में भक्ति योग और प्रेम योग दो ग्रंथ हिंदी में एक है रिलीजन ऑफ लव नाम की उनके किताब है इंग्लिश में उसका अनुवाद है प्रेम योग और एक है भक्ति योग नाम की किताब इंग्लिश में उसका हिंदी अनुवाद है भक्ति योग तो ये दोनों किताबों में आप देखेंगे कैसे भक्ति प्राप्त करना उसकी बहुत सुंदर व्याख्या स्वामी विवेकानंद ने की है उसमें सभी जितने भक्ति शास्त्र हैं वो सबका संयोजन उसमें कर दिया है इतने छोटे से ग्रंथ में बहुत अद्भुत संयोग उसमें वे कहते हैं कि भक्ति दो प्रकार की है एक गौणी भक्ति एक मुख्य भक्ति एक सकाम भक्ति एक निष्काम भक्ति एक प्रिपेटरी भक्ति जो प्रारंभिक प्रारंभिक भक्ति और एक है पूर्ण भक्ति तो हमें सबसे पहले प्रारंभिक भूमि में रहना प्रारंभिक भक्ति से प्रारंभ करना पड़ेगा प्रारंभ जो प्रारंभिक भूमि में जो भक्ति है मतलब गौणी भक्ति जिसको बोलते हैं ये गौणी भक्ति में क्या है वह गौणी भक्ति में है ईश्वर के गुणगान करना प्रभु की भ, प्रभु के जो स्तोत्र है उनका पाठ करना प्रार्थना करना स्तोत्र पाठ करना भजन करना उनके मंत्र का जाप करना उनके प्रति उनके चिंतन करना लीला चिंतन करना यह जो भागवत कथा हम लोग श्रवण कर रहे हैं यह भी उस भक्ति को प्राप्त करने का बहुत बड़ा माध्यम है बहुत बड़ा माध्यम सत्संग ईश्वर के के बारे में सुनना, उनकी के बारे में में सुनना, सुनना उनकी और स्वाध्याय उनके पुस्तकों को पढ़ना यदि आपको श्री कृष्ण के प्रति भक्ति चाहिए तो भागवत का श्रवण कीजिए श्रीमद् भागवत ग्रंथ का अध्ययन कीजिए विशेष करके दशम स्कंद का श्री रामकृष्ण के प्रति भक्ति चाहिए तो श्री रामकृष्ण वचनामृत का प्रतिदिन अध्ययन कीजिए श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग का अध्ययन कीजिए लीला चिंतन कीजिए श्री राम की लीला प्रसंग में जो जो उन के, जो उनकी लीला की उस पर चिंतन कीजिए तो श्री राम कृष्ण के प्रति भक्ति आएगी श्री कृष्ण के प्रति भक्ति कैसे आएगी वही श्रीमद भागवत के दसम स्कंद में किस प्रकार से उन्होंने लीला की किस प्रकार से ये यशोदा माँ उनको प्रेम करती थी और वो कहते थे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो ये जो लीला करते हैं वो है श्री कृष्ण के प्रति राम भगवान राम के प्रति भक्ति यदि चाहिए तो रामचरित मानस का हम पाठ करें प्रतिदिन रामचंद्र रामायण जो रामचरित मानस उनकी जीवनी पर हम लोग उसका उनका अध्ययन करें अनुध्यान करें तो रामचंद्र के प्रति भक्ति तो इस प्रकार से ईश्वर के प्रति भक्ति प्राप्त करने के लिए जो गौणी भक्ति हम प्राप्त कर सकते हैं फिर गौणी भक्ति के बाद जो दूसरी भक्ति है मुख्या भक्ति निर्गुणा भक्ति श्रीमद भागवत की भाषा में वो अपने आप आएगी ईश्वर की कृपा से आएगी उनको प्रार्थना करने से वो जब देखेंगे कि भक्त इस अवस्था तक पहुंच गया है धीरे 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 हमारी भक्ति को हमें निस्वार्थता की ओर ले जाना पड़ेगा तो सच्चा प्रेम या सच्ची भक्ति या यह निस्वार्थ भक्ति या निष्काम भक्ति ये निष्काम भक्ति, भक्ति ये बहुत कठिन है तो इसके लिए हमको प्रारंभ करना पड़ेगा प्रारंभिक भक्ति से स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज रामकृष्ण मठ मिशन के दसवें परमाध्यक्ष थे एक बार उन्होंने अपने प्रवचन में कहा कि स्वामी प्रेमानंद जी बाबू राम महाराज वो भी रामकृष्ण देव के पार्षद थे स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई थे गए थे मालदा और मालदा में जाकर उनको प्रवचन करने को बोला गया था तो वहां पर तो वो श्री चैतन्य महाप्रभु के ज्यादा भक्त है तो जितने लोग वहां बैठे थे उन्होंने कुछ कुछ प्रवचन में यही कहा कि शिव ज्ञान से जीव सेवा करिए और इस प्रकार से गरीबों की सेवा करना होगा ये करना होगा ये बहुत बातें उन्होंने की फिर कुछ लोगों ने कहा अरे हम तो आपके पास से प्रेम की भक्ति की बातें सुनने के लिए आए थे तो फिर से महाराज ने फिर भी वही बात जारी रखी फिर से भक्तों ने जब कहा जो वहां पर सुन रहे थे उन लोगों ने कहा कि श्रोता लोगों ने कहा अरे हम तो यहां पर आपके पास प्रेम की बात सुनने आए थे भक्ति की बात सुनने आए थे तब प्रेमानंद जी महाराज गंभीर हो गए प्रेम की बात सुनोगे भक्ति की बात सुनोगे सुनो फिर उन्होंने एक कहानी कही एक फेरी वाला था वो रास्ते में से जा रहा था और चिल्लाते चिल्लाते जा रहा प्रेम चाहिए किसी को प्रेम प्रेम रहा है प्रेम किसी को चाहिए प्रेम प्रेम रहा है प्रेम चार ओर से सब लोग आ गए हाँ हमको प्रेम दो हमको प्रेम दो हमको प्रेम दो हमको प्रेम चाहिए प्रेम चाहिए अच्छा ठीक है तो बोले कीमत कितनी पड़ी दौड़ेगी उसमें बोले मेरी तो उसमें रुपया वगैरह मैं नहीं लेता हूं एक तराजू है मेरे पास एक तरफ आपका सिर मैं काट करके एक पलडे में रखूंगा दूसरे पलडे में उतना ही वजन का प्रेम आपको मिलेगा सब भगे <laughs> ये शर्त सुनकर के सब भगे ये प्रेमानंद जी महाराज का कहने का मतलब था यह जो प्रेम प्रेम कहते हो ये बात प्रेम की बोलने की बात है भक्ति ऐसे बोलने से आ जाती है सच्ची भक्ति बोलने से आ जाएगी सच्ची भक्ति को के बारे में सुनने के लोग सुनने के लोग व्यक्ति कहा है यहाँ पर उन्होंने कहा तुम लोग व्यक्ति की बात सुनना चाहते हो प्रेम की बात सुनना चाहते हो है कोई यहाँ पर है कोई लेने वाला है कोई यहां लेने वाला सिर देना पड़ेगा गुजराती में बहुत अच्छा गीत है मारग काम परसम पहलू मस्तक मुकी नाम पहले अपना मस्तक देना पड़ेगा उसके बाद में फिर भगवान का नाम लो बहुत कठिन है ईश्वर की भक्ति शुरू शुरू में तो बहुत ठीक है फिर जब और आगे बढ़ते हैं तो बहुत परीक्षाएं आती जीवन में ये परीक्षाएं सब लोग पास नहीं कर सकते लोग तो फिर भगवान को गाली भी देना शुरू कर देते क्या है ये तो भगवान नाम की वस्तु है ही नहीं जबरदस्ती ये लोग सब कोई बता दिया दूसरे लोग हैं तो यदि हुए तो भी गाली देते क्या। उसके हाथ में कुछ है ही नहीं सामर्थ्य कुछ है नहीं मैं इतनी विपत्ति आई फिर मुझे सहायता नहीं की बहुत अधिकांश लोग उनकी श्रद्धा चली जाती है बहुत कम लोग हैं जो विपत्ति में भी डटे रहते हैं और ईश्वर को याद करते रहते हैं और ईश्वर को पकड़े हुए रहते हैं उनकी श्रद्धा डिगती नहीं है हिलती नहीं है है बहुत कम लोगों की ऐसी बात तो यही लोगों को बाद में श्री भगवान जब परीक्षा में पास हो जाते हैं ईश्वर तो सब भक्त तब तो बाद में वे इस प्रकार से निष्काम भक्ति का वर उनको वर्षण करते हैं बहुत बहुत बड़ी बहुत बड़ी बात है और बहुत बाद की बात है हम लोग अभी जिस स्टेज में हैं वहां से हम आगे बढ़े और ये जो स्वामी विवेकानंद ने बताया गौणी भक्ति ये हम कर सकते हैं का श्रवण कर सकते हैं प्रभु का भजन कर सकते हैं जो मंत्र हमें मिला है गुरुदेव के पास से उस मंत्र का जाप कर सकते हैं ऐसा करते करते अधिक से अधिक समय मन में मन में भगवान का नाम जाप करते मन और इस प्रकार से जितना हो सके समय भक्ति, भक्ति में बिताते बिताते धीरे धीरे हम लोग उस निष्काम भक्ति की ओर अग्रसर हो सकते हैं तक आप लोगों को जो प्रश्न बाद में पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं फिर कल हम लोग फिर उन प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयत्न करेंगे ओम शांति 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 हरि ही ओम तत्सत श्री राम कृष्णार्पण